उनको अगर कल से हटवा दो ना रेलवे को, डी आर एम को बोलता हूँ मैं, यहाँ से हट जाएगा और उसके बाद से यहाँ रहने नहीं पाएगा। तो बोल दिए ना बाबा, मैं बोल रहा हूँ कि जिनको बोलना है बोल दिया, मैं कुछ मैं बोलूँ हट जाओ तो मना नहीं कर रहा। नहीं हटोगे तुम्हारा दुर्दशा करूँगा मैं, कि जब मैं यहाँ रहने वाला और तुम मेरे ऊपर छाती में चढ़ के ऐसे लड़कों से ऐसे करवा क्या तो दशा है। अपने लड़के लोग को पहले देखिए बाबा, मैं लड़के उधारी खाएंगे रंगदारी करेंगे तो हम लोग मतलब का जीने का हक नहीं है हम लोग का, तुमको नहीं है, तुम चले जाओ यही जीऊंगा, सुन लो यही तरह मैं इसी तो झगड़ा हुआ है मेरे चलते हुआ है, मेरे रहते तुम जी नहीं खा पाओगे, बता समझा ना, मेरे रहते यहाँ तुम नहीं रह पाओगे, कल सुबह लात मारूंगा शाम को लात मारूंगा। सर टांगी उंगी लेके देखिए पूरा वो चिट करके टांगी उंगी लेके कूद रहे हैं आप बताइए गलत तो है। लेडीज को सब आते हैं हम लोग घर से, यहीं पे सर हम लोग का घर यहीं है बगले में है, यहीं घर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे सर, पाँच चलाने नंबर तक मार लीजिए, यहाँ चले जाओ अपना तुम चले जाओ। यार तुमको मैं ये बता रहा हूँ, पूरे साला गांव के लोग तुम्हारे विरोध में आ रहे हैं, तो गलती तुम्हारा ही लग रहा है मेरे को भी, तुम्हें अकेले के एक दो लोगों और इतने लोगों से टकरा लूंगा बोल रहे हैं, तो आप खुद सोचिए साहब जी, मैं कर सकता हूँ कुछ ना कुछ गलत बोले तो इतने लोग इकट्ठा हुए, तो कोई इकट्ठा ये कम से कम 15-17 हजार रुपए उधारी इसका आज 2019 कितना उधारी है तेरा, कुछ सुधारी नहीं, मैं दिखा दूंगा पूरा रजिस्टर में दिखा दे, निर्मल के पास पूरा कॉपी रख दिया हूँ, दे दिया उसको क्या हिसाब करना है, अगर हिसाब में नहीं निकलेगा तो पूरा हिसाब में निकलेगा निर्मल से पूछो, हाँ वही तो बात है ना, जुब ना तो और नहीं निकलेगा तो निकलेगा आप दावा करते हैं बताइए, निकलेगा तो कितने का दावा करते हैं, जितना तुम लोग बड़ा आदमी नहीं बड़ा आदमी नहीं उधारी आखिर उधारी लेकर के दे उधारी देता क्यों भाई, उधारी देता क्यों है। पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता भैयालाल रजवाड़े द्वारा एक व्यापारी को धमकाया जाना और उसे यह कहना कि तुझे इस क्षेत्र में जब तक मैं हूँ व्यापार नहीं करने दूंगा, निश्चित तौर पर निंदनीय घटना है। यह घटना इस बात को प्रमाणित करती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 15 साल तक सत्ता में रहने के दौरान निरंकुश हो गए थे, जनता को वे कीड़े मकौड़े समझने लगे थे। जिस जनता की बदौलत भारतीय जनता पार्टी के नेता 15 साल तक छत्तीसगढ़ में राज कर रहे थे, सत्ता से उतरने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में उस जनता के प्रति आदर का भाव नहीं आया है। निश्चित तौर पे यह भारतीय जनता पार्टी के तानावादी और फांसीवादी चरित्र का नमूना है।